वैसे तो माइकल जैक्सन एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। इनके बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। दुनिया में पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले जैक्सन विश्व के एक प्रसिद्ध पॉप सिंगर और डांसर थे। जैक्सन ने दुनिया को रोबोट मूनवॉक जैसी जटिल डांसिंग का हुनर ही नहीं बल्कि हिप हॉप, पोस्ट डिस्को, कंटेम्प्ररी, R&B, पॉप और रॉक भी सिखाया। छोटी सी उम्र में म्यूजिक की दुनिया में कदम रखने वाले जैक्सन का किंग ऑफ पॉप बनने तक का सफर काफी रोचक है। तो आइए जानते हैं माइकल जैक्सन की जीवनी को विस्तार से। माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 में शिकागो के पास एक टाउन में अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान के रूप में पैदा हुए थे। उनकी मां का नाम कैथरीन था। बेबी म्यूजिक की काफी शौकीन थी और अपने बच्चों को अक्सर म्यूजिक सुनाती थी, जबकि उनके पिता जोसेफ एक क्रेन ऑपरेटर थे, लेकिन बेबी एक लोकल बैंड फोल्कन में गिटार बजाते थे। अपने परिवार को देखते हुए जैक्सन के अंदर बचपन से ही म्यूजिक में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। माइकल जैक्सन और उनके पिता के रिश्ते शुरू से ही बेहद ख़राब थे। एक इंटरव्यू में जैक्सन ने अपने पिता के हिंसक स्वभाव का जिक्र करते हुए बताया था कि उनके पिता उनके भाइयों और उनको पैसे कमाने की एक मशीन समझते थे। इसके साथ ही उन्होंने कभी अपने बचपन नहीं जीने की बात भी कही। वे अपने बचपन में घर में करीब 3 घंटे तक ट्यूशन टीचर से पढ़ाई करते थे। इसके बाद स्टूडियो में घंटों रिकॉर्डिंग करते थे और फिर थक कर सो जाते थे, और बचपन में वे खेलने के लिए भी तरसते थे। वे अपने पिता के सख्त और हिंसक व्यवहार से काफ़ी दुखी रहते थे। यही नहीं, माइकल के पिता उनके चेहरे और नाक को लेकर कई बार तंज कसते थे और उन्हें बदसूरत होने का एहसास दिलवाते थे। वहीं बचपन में माइकल अपने पिता से इस कदर डरते थे कि बीमार हो जाते थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान में माइकल की स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी उनकी हैट और चेहरे पर बाल रखने की वजह भी उनके पिता ही थे। दरअसल अपने पिता की बातें सुनने के बाद जैक्सन काफ़ी कॉम्प्लेक्स फील करते थे। यहाँ तक कि वे लोगों से नज़रें मिलाकर भी बात नहीं करते थे और इस वजह से वे हैट लगाते थे और चेहरे पर बाल रखते थे। हालांकि जैक्सन ने अपनी सफलता का क्रेडिट भी अपने पिता के कड़क और सख्त अनुशासन को ही दिया था। पॉप सिंगिंग और अद्भुत मूनवॉक के लिए पहचाने जाने वाले माइकल जैक्सन ने 18 मई 1995 में 35 साल की उम्र में लिसा प्रेसली से शादी कर ली। हालांकि उनकी यह शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। 18 जून और 1996 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। इसके कुछ दिनों बाद ही माइकल अपनी नर्स डेबी रो के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद दोनों को प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर और पेरिस माइकल कैथरीन नाम के 2 बच्चे हुए। हालांकि उनकी दूसरी शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी। 1999 में दोनों के बीच तलाक हो गया, लेकिन तलाक के बाद बच्चे माइकल के पास ही रहे। माइकल ने महज 5 साल की उम्र से ही अपने अद्भुत सिंगिंग टैलेंट को दिखाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्होंने अपने पिता जोसेफ के डायरेक्शन में अपने बड़े भाइयों के साथ जैक्सन ब्रदर्स बैंड से म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा था। मोटाउन रिकॉर्ड्स ने माइकल के अनोखे डांसिंग और सिंगिंग की प्रतिभा को देखते हुए कम उम्र में ही उन्हें साइन कर दिया था। 1966 में जैक्सन के बैंड का नाम बदलकर जैक्सन 5 कर दिया गया था। 1969 में माइकल जब 11 साल के थे तब उनका पहला सिंगल सॉन्ग आई वॉन्ट यू बैक रिलीज हुआ और यह काफ़ी हिट हुआ था। इसके बाद 1970 में माइकल के द लव यू से और इट विल बी देयर गाने ने मार्केट में धूम मचा दी और फिर उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1975 में माइकल जैक्सन एपिक रिकॉर्ड से जुड़ गए और अपने ग्रुप का नाम बदलकर जैक्सन्स कर दिया। इस दौरान उन्होंने शेक योर बॉडी और एंजॉय योर सेल्फ जैसे हिट पॉप गाने गाकर सफलता के नए आयाम रचे। साल 1979 में माइकल जैक्सन ने एपिक रिकॉर्ड के साथ मिलकर अपना पहला सोलो एल्बम ऑफ द बॉल निकाला। इस एल्बम में रॉक विथ यू, डोंट स्टॉप और टिल यू गेट इनफ जैसे सुपरहिट पॉप गाने शामिल थे। ये एल्बम भी लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। इस एल्बम की करीब 7 मिलियन कॉपी मार्केट में बिकी थी। जैक्सन के कामयाबी का सिलसिला लगातार बरकरार था और उन्होंने इसके 3 साल बाद यानी 1982 में अपना दूसरा सोलो एल्बम थ्रिलर रिलीज किया। इस एल्बम में बीट इट, बिली जीन जैसे सुपरहिट सॉन्ग्स ने उन्हें दुनिया के सबसे पॉपुलर सुपरस्टार बना दिया। उनके इस एल्बम के गाने कई सालों तक टॉप रैंकिंग पर रहे। इसके बाद माइकल जैक्सन ने अपने बैंड एल्बम में डटी डायना, मैन इन द मिरर जैसे सुपरहिट पॉप सॉन्ग्स से असीम सफलता हासिल की। माइकल जैक्सन ने साल 1990 में अपना 4th एल्बम डेंजरस बनाया। इस एल्बम ने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की। इसकी करीब 20 मिलियन कॉपी बाजार में बिकी। माइकल जैक्सन के थ्रिलर एल्बम के लिए उन्हें 1984 में 11 में से 8 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। माइकल जैक्सन को अब तक सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। इतना ही नहीं, उनके नाम 23 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी है। माइकल जैक्सन बहुत ज़ोरों से हंसते थे। यदि वह एक बार हंसना शुरू कर देते थे तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता था।
1980 में माइकल जैक्सन के एक बॉडीगार्ड का नाम मिस्टर टी था, जो एक रात के लिए करीब $3,000 लेते थे। जैक्सन का पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर पिनोचियो था। माइकल जैक्सन का थ्रिलर अब तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम है। इसकी 42.4 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी है। उन्हें लेडी डायना की तरह स्टाइलिश लड़कियाँ बहुत पसंद थी। माइकल जैक्सन ने 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक मीटिंग रखी थी, मगर उसे किसी कारण रद्द करना पड़ा था। आपको बता दें कि 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था। माइकल जैक्सन की मृत्यु के बाद उनकी तिजोरी में सैकड़ों अनरिलीज्ड सॉन्ग्स मिले थे। इनमें से केवल 10 गानों के लिए सोनी ने $250 मिलियन एडवांस दिए थे। माइकल जैक्सन को चाइल्ड पोर्नोग्राफी की ज़बरदस्त लत लग गई थी। उनके बाथरूम की दीवारों से बच्चों के न्यूड फोटो मिले हैं। पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले जैक्सन को 1987 में किंग ऑफ पॉप की उपाधि से नवाजा गया। माइकल को अपने एल्बम बैंड के लिए 4 प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिले, जबकि उनके थ्रिलर एल्बम को 20 प्लेटिनम से सर्टिफाइड किया गया था। माइकल जैक्सन को अब तक के सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने नाम पर 23 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी दर्ज किए हैं। 1994 में माइकल जैक्सन पर एक बच्चे के परिवार ने सेक्सुअल एब्यूज के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद माइकल ने उस बच्चे के परिवार को सेटलमेंट के लिए $20 मिलियन की रकम दी थी। हालांकि उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद उनकी प्रतिष्ठा को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। साल 2002 में माइकल को उस वक्त लोगों की तीखी टिप्पणियों और आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था, जब उन्होंने अपने ही बेटे को बालकनी से बाहर लटका दिया था। साल 2003 में माइकल उस वक्त काफ़ी विवादों में घिरे रहे, जब उन्हें बच्चे के यौन शोषण के आरोप में 2 दिन तक हिरासत में रहना पड़ा था। इस दौरान उनके घर और ऑफिस की भी तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान माइकल के घर से कुछ बच्चों की न्यूड तस्वीरें भी मिली थी। हालांकि 2005 में ज्यूरी ने माइकल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके बाद माइकल को काफ़ी राहत पहुंची थी। साल 1984 में एक पेप्सी के एडवर्टाइजमेंट के दौरान वो बुरी तरह घायल हो गए। इसमें माइकल के चेहरे और सिर के बाल के साथ उनकी खोपड़ी का कुछ हिस्सा भी बुरी तरह झुलस गया। वहीं चोटों के निशानों को मिटाने के लिए जैक्सन ने प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल किया था। जैक्सन भगवान पर अत्यधिक भरोसा करते थे। हर शो से पहले वे प्रेयर करते थे और हर अवार्ड मिलने के बाद वे अपनी विनिंग स्पीच में भगवान का शुक्रिया अदा करते थे। पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले माइकल जैक्सन को सर्जरी की लत लग गई थी। वहीं जैक्सन की नाक की हड्डी टूटने की वजह से उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। इसके बाद उन्होंने अपनी नाक की सर्जरी भी करवाई थी। जैक्सन को अल्फा 1 एंटी ट्राइसिन डिफिशियंसी नाम की एक गंभीर बीमारी थी। कई वर्षों तक माइकल जैक्सन के साथ बबल चिंपांजी रहता था। माइकल जहां भी जाते वो उनके साथ चिपका रहता था। माइकल जैक्सन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले मर्तक कलाकार है। माइकल जैक्सन ने अपनी लाइव परफॉर्मेंस के लिए एंटी ग्रेविटी बूट बनवाए थे, जिसे पहनने के बाद वो काफ़ी आगे तक झुक सकते थे। 45 डिग्री एंगल में झुक कर डांस करने वाले वो पहले शख्स थे। ऐसा वो खास जूतों की मदद से करते थे, जिसका पेटेंट उनके और उनके 2 साथियों के नाम है। माइकल ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चैम्बर में भी सोया करते थे। माइकल जैक्सन को अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में कुछ नशीली दवाओं के सेवन की लत लग गई थी। वहीं इसके बाद 25 जून 2009 में लॉस एंजलिस में स्थित अपने घर में माइकल जैक्सन को हार्ट अटैक पड़ा और उनकी मौत हो गई। इस तरह दुनिया में पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले माइकल जैक्सन हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी मौत पर पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन यानी 25 जून 2009 को 3:15 पर विकिपीडिया, ट्विटर और एएलओ के इंस्टेंट मैसेंजर ये सभी क्रैश हो गए थे। वहीं उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले अपना आखिरी स्टेज शो दिस इज इट का वादा किया था। माइकल जैक्सन आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी माइकल जैक्सन को लोग उनके अनोखे मून वॉक डांसिंग स्टाइल के लिए याद करते हैं। वहीं माइकल जैक्सन ने एक सिंगर और डांसर के रूप में जितनी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में हासिल की है, शायद इतिहास में अब तक किसी गायक ने की हो। माइकल जैक्सन की अंतिम विदाई को करीब 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। ये अब तक की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन के डांस का स्टाइल का जादू आज भी पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आज भी लोग उन्हें और उनकी डांस स्टाइल को याद करते हैं। उस समय उनकी शैली बहुत प्रसिद्ध हुई थी, शायद ही कोई इतना प्रसिद्ध गायक, गीतकार और डांसर इतिहास में कभी हुआ होगा। तो दोस्तों, माइकल जैक्सन से जुड़ी यह जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।